प्रश्न संख्या एक, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश या ऑप्शन डी खिलजी वंश। प्रश्न संख्या दो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1529, ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1527 या ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1528। प्रश्न संख्या तीन, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन सी पानीपत के प्रथम युद्ध में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या चार, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध या ऑप्शन डी हल्दीघाटी का युद्ध। प्रश्न संख्या पाँच, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन बी मुमताज महल ने, ऑप्शन सी जहां आरा बेगम ने या ऑप्शन डी रोशन आरा बेगम ने। प्रश्न संख्या छः, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? ऑप्शन ए हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, ऑप्शन बी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार या ऑप्शन डी धार्मिक सहिष्णुता। प्रश्न संख्या सात, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अब्दुल नबी खां या ऑप्शन डी बीरबल। प्रश्न संख्या आठ, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अरबी या ऑप्शन डी फारसी। प्रश्न संख्या नौ, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी जहांगीर। प्रश्न संख्या 10, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी बहादुर शाह। प्रश्न नंबर 11, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन ए बड़ा इमामबाड़ा, ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन सी जामा मस्जिद या ऑप्शन डी सिद्दी बसीर।
प्रश्न संख्या 12, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इकबालनामा, ऑप्शन बी रज़्मनामा, ऑप्शन सी अकबरनामा या ऑप्शन डी सकीनत उल औलिया। प्रश्न संख्या 13, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? ऑप्शन ए शाहजहाँ, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी औरंगजेब। प्रश्न संख्या 14, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी शाहजहाँ। प्रश्न संख्या 15, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? ऑप्शन ए दीवाने खास, ऑप्शन बी दीवाने आम, ऑप्शन सी इबादत खाना या ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। प्रश्न संख्या 16, आईन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी फिरोज शाह या ऑप्शन डी अब्दुल रशीद। प्रश्न संख्या 17, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अकबर और हेमू, ऑप्शन बी राजपूत और मुगल, ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी या ऑप्शन डी सिकंदर और आदिल शाह। प्रश्न संख्या 18, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन सी अकबर ने या ऑप्शन डी हुमायूं ने। प्रश्न संख्या 19, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए शाहजहाँ, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी बाबर। प्रश्न संख्या 20, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी जयसिंह या ऑप्शन डी बिहारीमल। प्रश्न संख्या 21, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बहादुर शाह सेकंड जफर, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी शाहजहाँ। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय या ऑप्शन डी अकबर द्वितीय।
प्रश्न संख्या 23, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी अकबर। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी हुमायूंनामा, ऑप्शन सी बादशाहनामा या ऑप्शन डी बाबरनामा। प्रश्न संख्या 25, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी शाहजहां।